तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से किसी के भी YouTube चैनल का अर्निंग कैलकुलेट करना बताऊंगा, वो चाहे मोनेटाइज हो या फिर ना मोनेटाइज हो। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है फिर भी आप अपने चैनल का अर्निंग कैलकुलेट कर सकते हो कि आखिर प्रेजेंट टाइम में अगर हमारा YouTube चैनल मोनेटाइज होता तो हमारी अर्निंग कितनी होती और हमारे चैनल की वैल्यू क्या होती। बट गाइज यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि मैं आज मनोज सर के YouTube चैनल का अर्निंग कैलकुलेट करने वाला हूँ कि आखिर मनोज सर एक मंथली में अपने YouTube चैनल से कितना अर्निंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्पॉन्सरशिप की भी बात करेंगे कि आखिर वो अप्रॉक्स यानी कि जो दोनों अर्निंग है अप्रॉक्स अर्निंग मनोज सर की एक मंथ में कितनी होती है YouTube चैनल और स्पॉन्सरशिप से, सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। यहां तक आप अपने चैनल का भी अर्निंग चेक कर सकते हो मोनेटाइज नहीं है तो भी। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले गाइस इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करो क्योंकि टेक रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलते रहेंगे। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसी भी यूट्यूब चैनल का अर्निंग वैल्यू देखने के लिए, समझ रहे हो, किसी भी यूट्यूब चैनल का अगर अर्निंग वैल्यू आपको देखना है ना तो सबसे पहले आप समझो कि उस चैनल पर कितना व्यूज आ रहा है। ठीक है, जितना व्यूज आएगा उसके हिसाब से पैसा मिलता है। ठीक है, अब पहला तो हो गया व्यूज के हिसाब से पैसा मिलता है, बट पैसा कितने व्यूज पे कितना मिलता है ये डिसाइड कौन करता है मालूम है? ये डिसाइड करता है आपका क्या आरपीएम, क्या आरपीएम डिसाइड करता है कि आपको कितने व्यूज पे एक डॉलर बनेगा। और आरपीएम किस पे डिपेंड होता है मालूम है? कि आपके चैनल का कंटेंट क्या है, आपके चैनल का कैटेगरी क्या है। पहले आप ये समझो, व्यूज से पैसा मिलता है, व्यूज कलेक्ट होता है आरपीएम से, कितने व्यूज पे कितना पैसा मिलेगा। आरपीएम कलेक्ट होता है कॉन्टेंट किससे, कॉन्टेंट या फिर कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस तरीके से वीडियो बनाते हो, किस तरीके से लोगों को अग्रसित कर रहे हो, कौन से फील्ड में। ठीक है, उसके हिसाब से आपका आरपीएम बनता है। आरपीएम बनता है कैसे, जैसे कि मान लीजिए आपका 1500 व्यूज आता है, ठीक है, 1.5 के बराबर एक डॉलर, ठीक है, आरपीएम ऐसे बनेगा, या फिर 2K पे बन जाएगा आपको डॉलर, समझ रहे हो, या फिर 3K पे आपको बनेगा डॉलर, ये बनता है एक डॉलर, समझ रहे हो। अब जैसे आपका ये आरपीएम बन जाएगा, उस आरपीएम के अकॉर्डिंग आपका जितना व्यूज आएगा 2 लाख 3 लाख, ठीक है, या फिर 10 मिलियन जितना भी आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो अर्निंग होती है ना वो कैलकुलेट की जाती है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो डॉलर बनता है फिर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट होकर आपके एडसेंस अकाउंट में आता है। ठीक है, फिर आपके खाते में आता है वो। अब इसके लिए आपको सबसे पहले पता क्या करना होगा, चाहे वो आपके चैनल का रिवेन्यू देखना हो, अर्निंग देखना हो, या फिर मनोज सर के यूट्यूब चैनल का अर्निंग देखना हो, किसी के भी यूट्यूब चैनल का आपको अगर अर्निंग देखना है तो सिंपल सा आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको अपना मोबाइल लेना है। मोबाइल लेने के बाद चले जाना है आपको गूगल में, गूगल में जाने के बाद यहाँ पर लिखना है सोशल, ठीक है, सोशल ब्लेड करके आएगा। सोशल ब्लेड जैसे आप ओपन करोगे पहली साइड हो जाएगी, ये साइड आपको ओपन कर लेना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट चल रहा है आप देख रहे हो। अब इस पे जाके आपको सर्च करना है सिंपल सा नेम, जिस भी चैनल का नाम सर्च करना चाहोगे, ठीक है, मनोज सर का देखना है तो यहाँ पे हम चलेंगे मनोज और डे, ठीक है, इतना डाल के सर्च कर देंगे। अब जैसे सर्च करोगे ना यहाँ पर उनका चैनल आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आपको जहाँ का भी जो भी कैलकुलेशन करना है आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, व्यूज जानना है सिंपल सा मनोज डे चैनल ओपन करेंगे यूट्यूब। अब जैसे आप यूट्यूब ओपन करोगे यहाँ पर देखो इनके जो चैनल का लास्ट 30 दिन का, ठीक है, कितने दिन का, 30 दिन का, 30 दिन का जो व्यूज आया है 19 मिलियन, ठीक है, कितना है 19 मिलियन, 19 मिलियन व्यूज। अब समझो 19 मिलियन व्यूज है, अब डिपेंड करता है, देखिए जो कैटेगरी है इनका कैटेगरी क्या है, टेक, समझ रहे हो, टेक रिलेटेड, यानी कि टेक डॉक्यूमेंट्री, ये थोड़ा सा मैच ही हो जाता है, समझ रहे हो। तो अगर 1500 भी मानोगे या 2000 मानोगे या 3000 मानोगे, जो भी मानोगे उसके अकॉर्डिंग आप जो है वैल्यू डॉलर में निकाल सकते हो। अब चलिए मैं बताता हूँ कैसे निकलेगा। मान लीजिए हम पकड़ के चलते हैं 2K, 2000 व्यूज पे एक डॉलर बन रहा है, व्यूज कितना आया 19 मिलियन, ठीक है, ये सिर्फ एड्स रिवेन्यू निकाल रहा हूँ, आप ये समझना। मान लीजिए अब इनका बना कितना 2000 व्यूज पे एक डॉलर, तो 2 लाख व्यूज पे कितना बन गया, सॉरी 2 लाख व्यूज पे बन गया $100, समझ रहे हो, 2 लाख व्यूज पे $100। तो मान लीजिए ये 19 मिलियन है, हम इसको 19 का हो गया टोटल कितना होगा मालूम है, इसको बंद करते हैं, 19 का हो गया मान के चलो हम 9 दुनी 18 साढ़े 9
9.5 का मतलब समझ रहे हो, 19 मिलियन है, 2 मिलियन व्यूज पे कितना हो जाएगा, 2 मिलियन व्यूज पे $1,000 बन जाएगा, कितना, 2 मिलियन व्यूज पे $1,000, तो ये टोटल कितना बन जाए, $9,500, 9,000 गुड़े इसको हम 1,000 कर देते हैं अगर, तो ये हो जाएगा $9,500 बन रहा है मंथली का। आप पहले ये समझो, $9,500 बन रहा है मंथली का, और $1 की वैल्यू क्या है, $1 की वैल्यू कितनी है अभी प्रेजेंट टाइम में, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको लगभग 82, 83, 81 ऐसे दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 80 रुपया पकड़ के चलते हैं, ठीक है, कितना 80 रुपया पकड़ लेते, ठीक है। अब $1 की वैल्यू है, वैल्यू है 80 रुपया, तो यहाँ पर 80 गुड़े कितना है, 9,500 कितना हो जाएगा, 9×5 45 कितना हो जाएगा, जोड़ लो, चलिए यहाँ पे कैलकुलेट करके बताते हैं, 9,500 गुड़े 80, ठीक है, 0,000,000,000,076 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000,00,000 कितना हो गया टोटल, समझ रहे हो। यहाँ पर देखो ये अर्निंग अप्रॉक्स आ रही है खाली एड से रिवेन्यू की, कितना 7,60,000 बन रहा है, कितना 7,60,000। अब ये है एड्स रिवेन्यू, ओनली एड्स रिवेन्यू, ठीक है, कितना एक मंथ का 7,60,000 रुपया ये बन गया। प्लस अगर हम यहाँ पर बात करें तो अभी प्रेजेंट टाइम में मनोज डे एक ब्रांड बन चुका है टेक रिलेटेड में, ठीक है, यूट्यूब पर जैसे भी कोई भी अपडेट आता है या फिर कोई भी वीडियो अगर वो लॉन्च करता है तो उसका व्यूज चला जाता है, कितना, तो 2,00,000, 4,00,000, 5,00,000 के ऊपर चला ही जाता है, ठीक है, 1.5-2 लाख के करीब व्यूज आ ही जाता है। तो सपोज करो अगर उनको महीने में 4 या 3 स्पॉन्सर मिल जाएं तो एक स्पॉन्सर की वैल्यू कितनी हो सकती है, आप खुद ही गेस करो, मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूँ उनका जो होगा 1.5 लाख रुपया होगा, समझ रहे हो, लाख, 1 से 1.5 लाख रुपये मिलेगा एक स्पॉन्सर का। अगर वो मंथली में 4 भी करते हैं तो कितना हो गया, 5×20 और 4 6 लाख रुपया, कितना हो गया 6 लाख, टोटल कितना हो गया 6×7 13 13,60,000, यानी कि अप्रॉक्स 13 लाख रुपए बन रहे, समझ रहे हो, 13 लाख रुपए मंथली बन रहा है। तो YouTube से ये संभव है, ठीक है, अनदर फील्ड में आप काम करोगे नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, बट जितना ये बताने में आसान है इतना करना आसान नहीं है, समझ रहे हो ना। स्टार्टिंग में इस बंदे का वीडियो आप जाके देखना, मनोज सर का, समझ रहे हो, मनोज सर का जो स्टार्टिंग में वीडियो था, 2 साल कंटिन्यू मेहनत करने के बाद उनका कितना आ रहा था, 10,000 रुपया, कितना 10,000 रुपया मंथली, वो भी 2 साल मेहनत करने के बाद, 2 साल मेहनत करने के बाद, ऐसा नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जितने लोगों के माइंड में ये सेट होता है कि भाई एक चैनल से कितना कमाया जा सकता है, आखिर मनोज सर की वैल्यू क्या होगी, मनोज सर के यूट्यूब चैनल का इनकम क्या होगा, अप्रॉक्स पकड़ के चलना जो मनोज सर के इनकम होती है मंथली 10 लाख प्लस होती है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से YouTube इनकम होता है, जैसे मैंने बताया व्यूज से पैसा मिलता है, व्यूज बनता है RPM से, RPM बनता है कंटेंट और कैटेगरी से, जैसा आप कंटेंट बनाओगे, जैसा आप कैटेगरी बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका RPM बनेगा, RPM के अकॉर्डिंग आपका व्यूज आएगा, व्यूज के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, जरा सा भी जानकारी आपको समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ऐसे ही टेक एवं नॉलेजफुल रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।